So guys, we have another question from polynomial class 9th. एक दूसरा क्वेश्चन अब हमारे पास है कि आपको x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू दे रखी है 7, तो आपको अंडर रूट x प्लस वन अपॉन अंडर रूट x की वैल्यू निकालनी है। x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू 7 दे रखी है, तो अंडर रूट x प्लस वन अपॉन अंडर रूट x की वैल्यू निकालनी है। तो देखने में गाइज ये बड़ा टफ सा क्वेश्चन लगता है, पर अगर आप एक छोटी सी आइडेंटिटी यूज करोगे तो उससे क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। आपको वैल्यू निकालनी है अंडर रूट x प्लस वन अपॉन अंडर रूट x की, तो इसी का होल स्क्वायर करेंगे हम गाइज। तो देखिए, अगर हम होल स्क्वायर करें अंडर रूट एक्स प्लस अपन वन अपॉन अंडर रूट एक्स का, तो यहां हमने अंडर रूट एक्स प्लस वन अपॉन अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर ओपन करना है ए प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी अप्लाई करके। तो ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जहां पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी वाली आइडेंटिटी हम अप्लाई करेंगे। ये तो हो गया है ए स्क्वायर, ओके, फिर हमने किया बी स्क्वायर और फिर टू ए बी टू ए इंटू। सो गाइज, हमने ओपन किया ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी। अब ये तो कैंसिल हो जाएगा गाइज, हमारे पास क्या बचेगा, अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर ओपन करेंगे गाइज, अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो एक्स आएगा, वन अपॉन अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो वन का वन ही रहेगा, अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, केवल एक्स बचेगा। और इधर से हमारे पास अंडर रूट एक्स से अंडर रूट एक्स कैंसिल हुआ, बचेगा केवल टू, ओके गाइस। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे, ये तो चल ही रहा है गाइस, x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 7 दे रखी है, x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 7 दे रखी है, तो इस x प्लस वन बाई एक्स की जगह हम डाल देंगे 7, इस x प्लस वन बाई एक्स की जगह पर हम डाल देंगे 7 और साथ में प्लस 2, ओके गाइस। तो हमारे पास बचेगा अंडर रूट एक्स प्लस वन अपॉन अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर, अंडर रूट एक्स प्लस वन अपॉन अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9। स्क्वायर यहां से हटेगा और यहां जाके लग जाएगा रूट, यहां से स्क्वायर हटेगा और सामने जाके बनेगा रूट, और जब आप इस अंडर रूट 9 को ओपन करोगे गाइस तो वैल्यू आएगी प्लस 3 या माइनस 3, क्योंकि जब भी हम रूट ओपन करते हैं तो प्लस माइनस में वैल्यू आती है। तो जब आप रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स की वैल्यू ओपन करोगे तो अंडर रूट 9 जो को इसको आप चल लिख सकते हो, ये आपकी। तो गाइस, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स 7 दे रखा है और हमको रूट एक्स प्लस वन बाई रूट एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स का ही होल स्क्वायर ओपन करेंगे और ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी, अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, केवल टू बचेगा, ये इसको ओपन करेंगे तो वन का स्क्वायर वन होता है और अंडर रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स आ जाएगा और अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो एक्स। इस तरह से हमारे पास अंडर रूट एक्स प्लस वन अपॉन अंडर रूट एक्स होल स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, इसकी जगह पर 7 और साथ में 2 यानी कि 9। जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये स्क्वायर यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो ये स्क्वायर वहाँ जाकर रूट बनेगा और इस तरह से अंडर रूट एक्स प्लस वन अपॉन अंडर रूट एक्स की वैल्यू आ जाएगी रूट 9, विच इज इक्वल टू 3। सो दिस वन इज आल्सो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एज फार एज योर एग्जामिनेशन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन आर कंसर्न्ड। सो गाइस, वी हैव टू क्वेश्चन ऑफ क्लास 9 मैथ्स फॉर दिस इवनिंग, और नेक्स्ट इवनिंग कभी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग। टिल देन गाइस, गुड बाय, बट यू कीप वॉचिंग मैथ्स।